नमस्कार जी, नमस्कार। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अरे मीरा, मीरा ये तो प्रोग्राम भी शुरू हो गया, कमेंट्स भी आने लगे और तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैं नाराज हूं क्या तुमसे। क्या करूं दीदी, आप तो अपने गाने में इतनी मग्न थी। मैंने कहा भी कि हम जा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन ना हम आ रहे हैं, लेकिन आप तो बस अपनी ही मस्ती में थी। चलो कोई बात नहीं, माफ किया। ये ग्रुप इतना प्यारा थैंक है, ये ग्रुप इतना प्यारा है और इसके एडमिन इतने प्यारे हैं। और फिर आज है हमारी 100वीं मीट, 100वीं काव्य मीट। तो जी चलो गले मिल जाते हैं। जी लग जा गले। तो हमारे जो इतने बेहतरीन एडमिन्स हैं उसमें से कई आज मौजूद हैं। और मीरा, जी अपर्णा, सरिता, सुनील और अनूप को पेश किया जाए। आप तो आज ऐसे जज साहिबा बनी हुई हैं कि आपका कैसे पेश किया जाए। आप बोल रही हैं, आप तो जज ही बन गई हैं आज। ओफो, चलो ऐसा कहती हूं कि अपर्णा दी, सरिता जी, जूही जी, सॉरी अनूप जी और सुनील जी को यदि आप स्टूडियो में आमंत्रित करेंगी तो आज का दिन धन्य हो जाएगा, ये स्टूडियो धन्य हो जाएगा और हम धन्य हो जाएंगे। नीलम दी, आप भी ना। तो आइए आइए, मैं नीलम सक्सेना चंद्रा, नागपुर वाली, भिलाई वाली, भुसावर वाली, मुंबई वाली, लखनऊ वाली, दिल्ली वाली, पुणे वाली, आपका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले अपर्णा। अवार्ड वाली, अवार्ड वाली और किताबों वाली। इतने सारे शहरों के नाम जोड़े क्यों हैं, लेकिन ये तो बताइए। ऐसा है कि इन सब जगह मैं कुछ साल रह चुकी हूँ ना, तो लोग अपने नाम के आगे लगा लेते हैं ना, इंदौरी, भोपाली, तो मैंने मुझे इतने सारे लगाने पड़े, मैं क्या करूँ, मजबूरी है और कुछ नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं अपनी अपर्णा दी से, जो कि लाल छिड़ी मैदान खड़ी बनी हुई है, कि अपनी कविता पेश करें। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं गोवा से आपके साथ जुड़ रही हूं, तो अपर्णा प्रधान गोवा वाली हो गई मैं। और आज हम लोग 100th काव्य गोष्ठी हम लोगों की है। ये बहुत ही हमारे लिए एक सुखद सा अनुभव है, जो 100 काव्य गोष्ठी का सफर हम लोगों ने पूरा किया है। बहुत रोमांचक रहा है और बहुत ही हसीन रहा है। हम लोग एक दूसरे से ऑनलाइन मिलते रहे, ऑफलाइन भी मिलते रहे, और कविताओं का जोश चलता रहा, बरकरार रहा। और क्योंकि आज का विषय है 100, तो 100 पे मैं कुछ लिख के लाई हूं। एक जिंदगी 100 ख्वाब, एक जिंदगी 100 ख्वाब, हर ख्वाब तुझसे जुड़ा हुआ, तेरी प्रीत की डोर से बंधा हुआ, मोहब्बत की मिठास में भीगा हर लम्हा, 100 दुआओं से नवाजा हुआ। तो ये शुरू की लाइनें हमारी, सब जितने भी हमारे काव्य गोष्ठी में एडमिन्स हैं और जो लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये लाइनें उन लोगों के लिए। अब आगे सुनिए। अब तो ये आलम है, अब तो ये आलम है, मेरा तसव्वुर भी जब तुझे छू कर आता है। अब ये आप किसी के लिए भी समझ सकते हैं, सबके लिए, मेरे हम सफर के लिए, किसी के लिए। अब ये आलम है, मेरा तसव्वुर भी जब तुझे छू कर आता है, देर तक तेरी खुशबू से मेरा बदन महकता है। मोहब्बत भी तुम, दीवानगी भी तुम, मोहब्बत का आगाज भी तुम, अंजाम भी तुम, जिंदगी की आरजू भी तुम,
जिंदगी की आरजू भी तुम, बंदगी भी तुम, गजल के अल्फाज भी तुम, जज्बातों का सैलाब तुम, जीवन का सांस तुम, सांस की मधुर आवाज तुम, जीवन का सांस भी तुम, रूह की मधुर आवाज भी तुम, आंखों का नूर भी तुम, होठों की मुस्कान भी तुम, दिल की धड़कन भी तुम, सांसों की सरगम भी तुम, इबादत भी तुम, दुआ भी तुम, मन्नत भी तुम, जन्नत भी तुम, और अंत की दो लाइनें ध्यान से सुनिएगा। 100 दिल भी अगर हमारे पास होते, 100 दिल भी अगर हमारे पास होते, तो खुदा कसम वो भी तुम्हारे नाम होते। धन्यवाद। 100 तालियां। क्या बात है। 100 तालियां 100 तालियां। और आशा है कि आपके पास 100 दिल हो और एक आध हमको भी मिल जाए। खैर हमने तो मान 100 उधर रिजल्ट दें, 100 उधर रिजल्ट दें, उसके बाद वाले हमारे पास आएंगे। अच्छा चलिए चलिए, रिजर्वेशन रख लीजिए अभी से सब लोग। 101 बार जो है ना वो बहुत ये होता है हमारे इसमें शगुन मान। हाँ तो 101 बार मेरा अपर्णा दी, बहुत बढ़िया कविता और इतने खूबसूरत साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा तुम क्या बोल रही थी? कि अब आप फॉर्मेलिटी थोड़ी सी बंद कीजिए और अब अपने नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट कीजिए फॉर हर पोएट्री। यस मैडम, सरिता डॉट डॉट डॉट, सरिता डॉट डॉट डॉट, क्या तुम एक कविता 100वीं मीट के लिए सुनाओगी? प्रश्न चिन्ह। ये डॉट और प्रश्न चिन्ह क्या था दीदी? अरे जैसा लिखा था वैसा पढ़ दिया। Please be normal, please. अब हम 100वीं मीट है यार, आज तो फेस्टिव होने दो। तो सरिता सुनाओ अपनी। जी मैम, नमस्कार सभी को। और जैसा कि हम लोग आज सभी जो है काव्य गोष्ठी मना रहे हैं, तो हमने भी कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की है और पढ़ती हूँ। 3 अंकों का पहला नंबर 100 कहलाता है, 3 अंकों का पहला नंबर 100 कहलाता है, हर कार्य में पूर्णता का मान दिलाता है, हर कार्य में पूर्णता का मान दिलाता है, 100 बार मिले हम तुम आकर यह आज बताता है, 100 बार मिले हम तुम आकर यह आज बताता है, गिरकर उठने का जीवन में पाठ पढ़ाता है, गिरकर उठने का जीवन में पाठ पढ़ाता है, बड़े बुजुर्गों से आशीष हर बार दिलाता है, बड़े बुजुर्गों से आशीष हर बार दिलाता है, खुशियों का जीवन में उन्माद जताता है, खुशियों का जीवन में उन्माद जताता है, कितनी सारी बातें कितनी सारी यादें, कितनी सारी बातें कितनी सारी यादें, सबको समागम करने का पाठ पढ़ाता है, सबको समागम करने का पाठ पढ़ाता है, कभी गीत सुनाता है कभी साथ निभाता है, कभी गीत सुनाता है कभी साथ निभाता है, कभी अपनों के संग बैठ देखो गुनगुनाता है, कभी अपनों के संग बैठ देखो गुनगुनाता है,
ये सौ हमें सौ जन का सौ रूप दिखाता है, ये सौ हमें सौ जन का सौ रूप दिखाता है। कभी कान्हा के संग गोपियों का रास रचाता है, कभी कान्हा के संग गोपियों का रास रचाता है। कभी अध्यात्म सिखाता है, कभी आस जगाता है, कभी अध्यात्म सिखाता है, कभी आस जगाता है, कभी पल भर में जीवन का सारांश बताता है, कभी पल भर में जीवन का सारांश बताता है। तीन अंकों का पहला नंबर सौ कहलाता है, हर कार्य में पूर्णता का मान दिलाता है, हर कार्य में पूर्णता का मान दिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत It was wonderful, you know, simply superb. I'll say 100 times that it was wonderful, wonderful, wonderful. And you know, there can be nothing as wonderful as. बस करो जी, बस करो, अब भारतीय भाषा में बोलिए, प्लीज नॉर्मल हो जाइए. भारतीय भाषा में बोलूं. हाय रे सुनील, तू कुठली कविता बोलणार? बघ तुझा 100 याच्यावर कविता सांगायची आहे. सांग सांग, लवकर सांग, लवकर सांग. जी तो पहले तो सभी एडमिन्स को, नीलम जी को और हमारे सभी दर्शकों को इस सभी काव्य गोष्ठी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि हम यहाँ तक पहुंचे. और चार लाइनें नीलम जी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि तारीफ कैसे करूं मैं तुम्हारी, तारीफ कैसे करूं मैं तुम्हारी, तुम्हारी छाओ में है दुनिया हमारी. सिखाया है तुमने जो ये सलीका, सिखाया है तुमने जो ये सलीका, बदल दी है इसने दुनिया हमारी. तारीफ कैसे करूं मैं तुम्हारी, तुम्हारी छाओ में है दुनिया हमारी. तो नीलम जी, ये आपके लिए, क्योंकि हम सब तो क्योंकि भाई हम सब आपकी छाव में ही पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना. तो बहुत अच्छा लगता है आपसे हमेशा जुड़ करके, और बहुत मजा आ रहा है जिस प्रकार से आप और मीरा जी इसका संचालन कर रही हैं, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ. और बड़े भैया अनूप भैया एकदम शांत चित्त होकर हम लोगों को सुन रहे हैं कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं खींचूंगा इनको. जी कंचो बाबू मुझे तैयारी में तो जी अब थोड़ा सा मैं एक कृष्ण के रूप में मैंने कुछ लिखा था कृष्ण जी के ऊपर, मीरा जी को याद करते हुए, है ना. तो मेरे को लगा कि आज जी हाँ मीरा जी बिल्कुल तो मेरे को लगा कि आज मैं मुझे ये सुनाना चाहिए, तो अच्छा लगेगा. रिलेट करिएगा नीलम जी और मीरा जी दोनों. एक कृष्ण है, एक मीरा है. देखन मोहन रूप को नैना रहे अधीर, देखन मोहन रूप को नैना रहे अधीर, गिरधारी छवि दिखा दे दूर जाए सब पीर, गिरधारी छवि दिखा दे दूर जाए सब पीर. तोहे जब देखन जाऊं
देवालय की ओर, तोहे जब देखन जाऊं देवालय की ओर, तोरे नैना लागे देखे मेरी ओर। तो ये भगवान से जब हम मिलने मंदिर जाते हैं तब भी होता है, और जब इस मंच पे आते हैं और नीलम जी से मिलना होता है तब भी ऐसा ही होता है। सबको ऐसे नजर से देखती है ना। जी देखा, आ रहे आ रहे, रूप में आ रहे, फॉर्म में आ रहे अनूप जी। जी किन, अगली पंक्तियां हैं, किन रूपों में ध्याऊं अद्भुत तेरी लीला। नीलम जी रिलेट करिएगा अपने आप को कि किन रूपों में ध्याऊं अद्भुत तेरी लीला, हाथ जोड़कर ध्यान करूं ओढ़ के वस्त्र नीला। हम लोग सब ज्यादातर नीला वस्त्र पहन के ही आते हैं नीलम जी के पेज पे। जी और याद करिए कि जैसे सुदामा कृष्ण जी के पास गए थे और उनका जो मित्रता थी, तो उस प्रकार से हम ऐसा मानते हैं हम आपके सुदामा हैं। तो बनवारी से मिलन को, बनवारी से मिलन को जैसे गए सुदामा, सखा रूप मोहि दिखा कि बन जाऊं सुदामा। सखा रूप की मोहि दिखा कि बन जाऊं सुदामा, बन जाऊं सुदामा फिर तेरे दर पर आऊं, बन जाऊं सुदामा फिर तेरे दर पर आऊं, चावल की पोटली प्रभु संग में फिर लाऊं, चावल की पोटली प्रभु संग फिर मैं लाऊं। तो हमारा विनम्र प्रणाम आप स्वीकार करिए कि आज आपकी वजह से हम ये सभी 100वीं काव्य गोष्ठी मना रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है हमेशा इस पेज पर जुड़कर विभिन्न सब अलग अलग जगह के लोगों से मिल करके एक परिवार सा महसूस होता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी आपका, हमारे सभी एडमिन्स का और सभी दर्शकों का भी जो सराहते हैं मोटिवेट करते हैं। जी बहुत धन्यवाद। और उपहार तुम्हारी नई पुस्तक मैं ले जाऊं, ये मैंने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने देखा नहीं प्राइवेट मैसेज में नीलम ने लिखा है कि ये तो चावल की पोटली में काम सरकार है, मैंने तो केक समझा था कि वहां से क्या नहीं है केक लेके आए। हमारे एडमिन सब इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि उनको केक बोले तो वो 100 kg का केक मिले क्योंकि आज हमारी सारी बातें 100 में हो रही है, इसलिए हम 100 kg का केक, 100 kg से कम। नीलम 100 बातों की एक बात कि ये खाली हमारा एक वो ऑनलाइन मंच 100 काव्य गोष्ठी का ही नहीं है, एक हमारा ये परिवार बन गया है, परिवार बन गया बिल्कुल। ये 100 बातों की एक बात, एक बात बहुत बढ़िया। पर अब ये सब तो ठीक है, पर मैं तो मीरा से नाराज हूँ। अरे कैसी है अच्छा। ये हमारी एडमिन, गाती हूँ तो गुस्सा, नहीं गाऊं तो गुस्सा, हिंदी बोलूं तो गुस्सा, अंग्रेजी बोलूं तो गुस्सा, मराठी बोलूं तो गुस्सा, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल। ये देखिए आप ऐसे ही गाने गुनगुनाएंगी या गाती रहेंगी तो हमारे नेक्स्ट जो है पोएट उनको कैसे मौका मिलेगा। तो आप जब गाना बंद करेंगी तब जाकर नेक्स्ट एडमिन जो हमारे हैं वो अपनी पोएट्री पेश कर पाएंगे ना नीलम दी। फिर खींच लिया इन्होंने। ठीक है बुलाओ, अब तुम ही बुलाओ अगले अगले कवि को, जाओ। हाँ तो हमारे अगले कवि हमारे सबसे यंग ओल्ड अनूप भैया है। चलिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशंस, बधाई सबको कि हम सब ने मिलकर एक सेंचुरी पार की है, और इसी तरह अब उम्र में नहीं, उम्र में नहीं, उम्र में नहीं, उम्र में नहीं, वो बताने की बात नहीं होती है यार, कोई बात नहीं। अगली बार भी हम अगली सेंचुरी की तरफ बढ़ते हैं। और आज जो टॉपिक दिया था कि हर कविता में 100 का टॉपिक होना चाहिए, 100 शब्द का इस्तेमाल उसमें होना चाहिए,
और बहुत पहले नीलम ने मुझे कहा था कि तुम दोहा लिखा करते हो बहुत अच्छा, तुमको मुझे मजा आता है, दोहा सुनाया करो। तो मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, शतक दोहावली इसका नाम दिया है। क्या बात है। और बहुत खूब, आशा करता हूँ कि यहाँ से कोई भी मुझे पीटेगा नहीं इनको सुनकर, ये मेरी उम्मीद है। आप सबसे दरख्वास्त की है, मुझे सुनाई नहीं आ रहा। सुनार ना मार सके, सौ सुनार ना मार सके जो मारे लोहार, सौ सुनार ना मार सके जो मारे लोहार, सौ लोहार भी फेल जो पत्नी करे प्रहार, सौ लोहार भी फेल जो पत्नी करे प्रहार। आप बीती पत्नी के हो जाए हैं, सुनील जी आप समझ के रहिए कि पत्नी के हो जाए हैं सौ सौ खून भी माफ, पत्नी के हो जाते हैं सौ सौ खून भी माफ, पतियों की एक चूक भी कर दे पत्ता साफ, पतियों की एक चूक भी कर दे पत्ता साफ, पहले झगड़ा वो करें। सुनील जी अगर गलत बोल रहा हूं तो बताइए। नहीं बिल्कुल परफेक्ट है। पहले झगड़ा वो करें फिर आंसू टपकाए, पहले झगड़ा वो करें फिर आंसू टपकाए, 900 चूहे खाए के बिल्ली हज को जाए, 900 चूहे खाए के बिल्ली हज को जाए, 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात, एक बात मेरे यार, 100 बातों की एक बात सुन लो मेरे यार, पत्नी से डर कर रहो यह जीवन का सार, पत्नी से डर कर रहो ये जीवन का सार, सेवा पत्नी क्या करो। ये बात बताने की जरूरत नहीं है, रेखा जी यहाँ पर मौजूद है, वो खुद हाँ, मैं अभी वही कहने वाली थी कि मामी जी हैं कभी। फिर भी और जो भी यहाँ पर पति लोग हैं उनके लिए बता देता हूँ, उनके लिए बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। सेवा पत्नी की करो नित तुम सुबह हो शाम, वाह, सेवा पत्नी की करो नित तुम सुबह हो शाम, और करो हर दिन उसे शत शत बार प्रणाम, और करो नित रोज उसे शत शत बार प्रणाम, प्रतिशत ये सत्य है, शत प्रतिशत ये सत्य है, नहीं है इसमें बिल्कुल, शत प्रतिशत ये सत्य है कह अनुपम कविराय, वाह, शत प्रतिशत है सत्य ये कह अनुपम कविराय, जो ना समझे बात ये सात जन्म पछताए, जो क्या बात है, सात जन्म पछताए, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप दिस इज योर सेवेंथ जन्म। अच्छा तब तभी अकल आई है। आगे के छह जन्म का पूरा प्रश्न लगाकर जन्म जन्म तैयार किया है। तो दोस्तों यही खत्म होता है हमारा पहला राउंड, जिस पर हमारे अनुपम कवि अपर्णा जी, सरिता, सुनील और अनूप ने हमारी हमें अपनी बेहतरीन कविताएं 100 पे सुनाई। इतना आसान नहीं था और हर रस में लोगों ने कविताएं सुनाई तो मजा ही आ गया। परंतु अब हमारी सेकेंड राउंड की ओर बढ़ने की बारी है, तो आप सबसे टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, सभी का आभार, सभी दर्शकों का, मिलते रहेंगे। मीरा, हाँ दी, क्या बोल रही थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, यू नो आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड आई कैन डांस इन इंग्लिश। ओहो, यू अंडरस्टैंड,
आई गॉट इट, मैं समझ गई आपको इंग्लिश आती है, आप बहुत अच्छी इंग्लिश, आप बॉक टॉप सब इंग्लिश में कर लेती हैं। अच्छा, लेकिन फिलहाल हम अपने पोएट्स को वेलकम करेंगे, तो प्लीज वेलकम कोयल जी एंड जूही जी ऑन द स्टेज। वेलकम 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 माय डियर फ्रेंड जूही आ गई है। So, my dear friend Juhi, would you be kind enough to render your poem for the 100th me? My heart would be obliged, my mind would go gaga, and my mouth would sing. If you miss the train I'm on, you will know that I'm gone. You can hear the whistle blow. 100 miles, 100 miles, 100 miles. Oh, Didi! मैम, I'm feeling like you're watching a good movie. हाँ जी, कितना अच्छा सुनाया, फिर भी ये बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। मुझे नहीं लग रहा मुझे कविता रखने की भी आवश्यकता यहाँ पे होगी। तो मेरा भी द्वंद था कि क्योंकि 100 एपिसोड है, हिंदी लिखो इंग्लिश लिखो, तो आई सेटल्ड फॉर हिंदी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, मुझे भी बधाई क्योंकि मैं आप सबका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। एक कविता सुनाती हूँ जो शतक के बारे में है और कैसे इसका खोज, कैसे इसकी खोज हुई, वो वहां पर थोड़ा फिजिक्स की तरफ लेके चलती हूँ आपको। तो आर्यभट्ट ने जब की थी शून्य की खोज, आर्यभट्ट ने जब की थी शून्य की खोज, तब सृष्टि को प्राप्त हुआ था पूर्णता का ज्ञान भी। एक नंबर एक बना प्रतीक चिन्ह आरंभ का, नवोदय का, और उसमें जुड़ने लगे एक एक करते हुए कई रंग। मीरा जी, अंशु जी, कोयल जी, नीलम दीदी को नमन करते हुए, और उसमें जुड़ने लगे एक एक करते हुए कई रंग, जिनमें कौशल है क्षितिज पार जाकर शब्द तोड़ लाने की कला है, और जो बताते हैं कि कविताएं निवेश होती हैं। लिखने वाले का अनुभव और कल्प की पूंजी पढ़ने वाले की पूंजी से जा मिलती है, और आश्चर्य ये कि दोनों समृद्ध हो जाते हैं। ये सब गत विगत पड़ाव आज आप होते हैं अपने पहले शतक पर। अभिव्यक्ति के उसी शून्य के तारे को चमकाने के लिए शायद आकाश को नीलम होना पड़ता है। थैंक यू सो मच, दिस वाज फॉर यू। क्या बात है, क्या बात है, आकाश को नीलम होना पड़ता है। दैट लास्ट लाइन वाज बहुत बढ़िया। यानी मैं तो खो ही गई कविता में, और अगर मैं जज होती तो मैं 100 out of 100 दे देती, पर मैं जज नहीं हूँ और ये कंपटीशन नहीं है, तो काश कहीं तो मुझे जीतना है। पर सच बात है, जीत गई। बहुत तो कलाकारों को मंच दिया है, बहुत लिख सकते थे, पर एक रहता है कि दिन का जब समय होता है तब आकाश में कुछ नहीं दिखता है। जब तक आकाश पूरी तरीके से डार्क ब्लू नहीं हो जाता, तो वो तारे वही होते हैं पर वो दिखाई नहीं देते। शायद यही इस पटल ने, इस मंच ने हम सबको प्रदान किया है, और आप सबसे जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको एक एक बार और बधाई, शत शत बार बधाई और शत शत नमन। ये मेरा सौभाग्य है और हमसे जुड़ने वाले लोगों का सौभाग्य है जो इतने नंबर्स में हमारे मंच से जुड़ते हैं। तो मीरा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। तो मीरा डार्लिंग जी दी, रुको मुझे गाना गाने दो। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, चाहेंगे तुम्हें फिर भी। प्लीज गाना बंद करेंगी आप, तो हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ पाएगा। ओहो, ये मुझे गाने ही नहीं देती। मैं कितना अच्छा गा रही हूँ, पर ये देखो गाने पर भी पाबंदी। सोचिए आप कैसे जीती हूँ इस ग्रुप के साथ, फना ही होती रहती हूँ। अच्छा मीरा, एक कविता तो बोल सकती हूँ ना? एक कविता सुना डाली है फिलहाल। ठीक है,
आज शुक्रवार है, गुड़िया को चढ़ा बुखार है, आजा मोरे डॉक्टर तेरा इंतजार है। अरे अरे दीदी, लेकिन इसमें गुड़िया कहाँ, डॉक्टर कौन, ये आप क्या कह रही है, क्या कविता है ये? ये ऐसा है, ऐसा है, डॉक्टर तो अंशु जी है, यानी एकदम प्रॉपर स्टेथोस्कोप वाली डॉक्टर तो, और कवि भी है और हमारी एडमिट भी है, तो वो अगली कविता सुनाएंगी और गुड़िया यानी तुम गुस्से में, तुम्हें बुखार चढ़ गया ऐसा लगता है तो। अरे क्या जी आप भी चलो चलो डॉक्टर अंशु जी को कविता सुनाने दो वरना इंजेक्शन लगा देंगी। ये अच्छा तरीका है डराने का सब कुछ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे हाथ में कोई इंजेक्शन नहीं है, आप देख सकते हो मेरे हाथ बिल्कुल इस समय पूरा ध्यान आप लोगों पर और खास तौर पे नीलम पर है, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि आज हम 100वीं काव्य गोष्ठी में कुछ अपनी कह पाएं, कुछ आपकी सुन पाएं। तो शुरू करती हूँ एक, जैसे नीलम ने शुरू किया बॉलीवुड के एक गाने से, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार दिन, जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन। तो प्यार के हमारे ये दो चार दिन चलते रहें, यूं ही जारी रहें, इसी शुभकामना मनोकामना के साथ आप लोगों के लिए एक छोटी सी कविता जो मैंने इसी काव्य गोष्ठी के लिए लिखी है वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो ये है कि अभी 100 दिन भी नहीं हुए, अभी 100 दिन भी नहीं हुए हमारी मुलाकात को, अभी 100 बातें भी नहीं की हमने आपस में, 100-100 ताने, 100-100 ताने फिर भी आ चुके हैं हमारी फैमिली के, 100 तरह की अफवाहें उड़ रही हैं हमारे मोहल्ले में। अरे चौंकिए मत, ये हमारी कॉपी और कलम की बात है, इसे क्या क्या नहीं सुनना पड़ा जमाने भर में, सास बहू के सीरियल्स को तो धूल चटा दी इनके तीखे और तिरछे शब्द बाणों ने, पर हम भी तो माशा अल्लाह कोई कम नहीं है, हम भी माशा अल्लाह कोई कम नहीं, 100-100 आंसू पीकर भी उफ न करेंगे, जो ठाना है वो करके ही रहेंगे। तो जारी रहेगी हमारी यही कैफियत, यही फुर्सतें, यही शिरकतें, चलता रहेगा शायरी और कविता से हमारा यही इश्क, यही दीवानगी, आखिर किसने की हासिल कोई भी मंजिल घुटनों के बल चल के, तो मिलेगी ये हमें भी 100-100 मुश्किलों और आजमाइशों के बाद ही, जल्द ही आएगी वो 100वीं घड़ी, परवान चढ़ेगी नज्म हमारी भी, फिर चाहे जागना क्यों ना पड़े हमें 100-100 घंटे, या हो जाएं पड़ोसियों से झगड़े टंटे, ठान के अपने मन में हम तो हैं अब बैठे कि 100वीं काव्य गोष्ठी की नजर इसे ही करेंगे, 100 बातों की 1 बात अब हम ना मानेंगे, अपनी ये 100वीं बात सुनाकर ही दम लेंगे, चाहे फिर कोई भी रूठे, माँ बाबा, माँ बाबू जी या अंकल आंटी, अपनी 100वीं बात में हम किसी से पीछे न रहेंगे, ना किसी के समझाए अब हम कुछ भी समझेंगे, नंबर चाहे मिले हमें 50 या 60, रहेंगे हमारे बस यही ठाठ, बनेंगे आगे बढ़ हर कवि सम्मेलन का हिस्सा, हर मुशायरे और हर महफिल का सुनाएंगे किस्सा, न डर हो जमाने का, न फिकर दीन दुनिया की,
अपनी बात अपनी नज्म में दिखाएंगे ताकत अपनी कलम की। नीलम के लिए सच है। तो कुछ तो बात हो खास आज इस 100वीं मुलाकात की, जहां मिले हम सब दीवाने एडमिन तो शाम भी होगी दीवानी सी, और इसी मजे मजे के रंगों की बैठक में हो जाएगी ये महफिल रंगीली। लो भाई हो गई ये महफिल रंगीली सदाबहार, जैसे हो 100 साल पुरानी शराब सी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे वो दो लाइन है। मुझे वो अपनी एक दो लाइन याद आ गई कि यूं पिया जाम सारी शाम शब्दों का कि लब अपने आप वाह वाह कैट थे। वाह, हम कवि होते ही ऐसे दीवाने। आज वाकई नीलम जी ने शब्दों का जाम पी लिया है, उनकी नॉटीनेस की लेवल तो पूछिए ही मत आप। बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं बहुत सीधी सादी हूँ। अभी देखो, अब एक गाना और सुनाऊंगी। कोयल सी तेरी बोली कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली कुकु 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 कुकु। ओफो दी कोयल जी, ये आपके लिए इनविटेशन था। वो तो मैं समझ गई। मैं ना समझू, अब नाम कोयल है तो ये गाना तो बनता ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोयल जी, अब आप अपनी कविता सुनाइए प्लीज। जी सबसे पहले नीलम जी बहुत बहुत बधाई हो। ये जो 100th पोएट्री मीट आप आज हम मना रहे हैं, इसका ताज आपके सिर पर, क्योंकि इसको आपने शुरू किया था एक ख्वाब के साथ। और यहाँ पे जितने भी कवि जुड़े हैं, मीरा, जूही जी, अंशु जी, वहाँ सुनील जी, अनूप जी, सब लोग और हमारे जो दर्शक भी हैं, उन सब को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर एक माला सी बना ली है। और आपका जो प्रयास है, मैं कभी आपको एक माँ की तरह देखती हूँ जो कभी हारने नहीं देती, कभी एक टीचर की तरह देखती हूँ जो हर बार ठीक करती है, और आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो तो है ही। तो ये मेरे एक सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जी, जी 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 ये बताओ, ये आप कौन है? ये खाप कौन है? यानी बताऊंगी, वो भी बताऊंगी। हमारे एडमिन आज जो नहीं आए हमारे एडमिन, वो रेनू है, निवेदिता है, पर खाप कौन है यार, खाप कौन है? वो तो है ही, कविता में खाप ना हो तो कैसी बात हो गई। तो ये जो कविता अब मैं सुनाऊंगी नीलम जी, ये स्पेशली मैंने आपको याद करके लिखी है, और 100 वाला जो शब्द इसमें प्रयोग करना था तो हिंदी में पहले मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा चलो इंग्लिश में लिखते हैं, क्योंकि मुझे बार बार कुछ पुराने कवियों के लाइंस याद आ रहे थे और 100 बहुत स्पेशल होता है। तो चलिए ये कविता मैं पेश करती हूँ। 100 टाइम्स एंड मोर आई रिमेम्बर माई वॉबलिंग स्टेप्स, toddling my way to her arms. 100 times I stumbled though, yet she pulled me close to her arms. I remember my minor letters, which were so perfectly odd. 100 times I erred though, she waited until they were straight. So are these memories of 100 episodes of victory. One thought of its creator someday is a glorious new history. Our steps together, more than minds can count. We learned by failing and still did not give up at all. She holds us strong. Neelam ji, aapke liye hai. She holds us strong through her words and deed. Never misses a name to mention how effortless success can mean.
poetry sessions of words and wisdom, the warriors will continue the legacy. 100 gone and 100 more. The journey will still go on. The journey will still go on. तो हम सारे लिटरेरी वॉरियर्स आपके साथ हैं, ये तो चलता रहेगा, सफर चलता रहा है और चलता रहेगा। समझी मीरा? हाँ, अब मेरी बारी, मेरी बारी ना। थैंक यू। ओके, अब मेरी और नीलम दी की बारी है कविता सुनाने की। तो नीलम दी तो कुछ आज तो उनकी तबीयत पता नहीं क्या हो गया आज उनको, आज तो एकदम ये जैसे अभी कहा था उन जाम, शब्दों का जाम ले लिया है उन्होंने, तो वो तो खैर कहेंगी कुछ आप अब। मुझे आज मुझे मेरे ही पेज से भगाया जा रहा है, मेरी पेज से चली जा रही है। अरे ना, आप रोइए मत, आप तो मेरी प्यारी सी दी है ना, आप क्यों रो रही है? थोड़ा सा मजाक मैं भी तो कर सकती हूँ ना आपके साथ। हाँ, इतना तो चलता है ना दी। हाँ, वो भी सच है। तो आपको जो कहना है वो आप कहिए और मैं अपने मन की कहती हूँ कविता आज। मैं तुमको मास्टर नानी भी नहीं कहूंगी। और चलो मेरी प्यारी मीरा, तुम सुनाओ ना अपनी कविता। लेकिन आज तो आप मेरी टीचर ही है, क्योंकि ये जो कविता है नेक्स्ट जो मैं आज आपके लिए पेश करने जा रही हूँ, वो थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश मेरी तरह मिक्स्ड लैंग्वेज में है। तो पेश है मेरी कविता। 100 इस नंबर से जुड़ा है वास्ता पुराना, 100 इस नंबर से जुड़ा है वास्ता पुराना, 100 पन्नों की 100 किताबों में, 100 पन्नों की 100 किताबों में 100 बार लिखा था कभी द स्पेलिंग ऑफ 100। एच डॉट यू डॉट एन डॉट डी डॉट आर डॉट ई डॉट डी डॉट डॉट डॉट। जब इससे भर गया पेट, अरे मेरा नहीं ना टीचर का, उन 100 किताबों का, तब फिर सिलसिला शुरू हुआ नया। अब उन 100 बच्चों में मेरा ही नाम खिलखिलाकर आ गया। कान मरोड़ कहां 10वीं की टीचर ने हमारी, लिखो 100 बार, आई विल नॉट टॉक इन क्लास अगेन। नंबर भी तो देते हैं 100 में से ही, क्या करूं ये 100 से वास्ता बहुत पुराना जो है। 100 से तो जैसे नाता अटूट सा मानो जुड़ गया है। कमबख्त 100 दिनों तक 100 की नोट तक जेब में नहीं रहती, 100 दिनों तक 100 की नोट भी जेब में ना टिकती, और मम्मी की डांट 100 बार कहां खर्चे कम करो की आवाज 100 बार गूंजने लगती है। 100 इस नंबर से जुड़ा है वास्ता पुराना, वास्ता पुराना। तो ये थी मेरी और 100 की जो जुगलबंदी पहले से बचपन से। और आज जो 100 बार मेरे से डांट खाई उसके बारे में। हाँ, तो वो इसीलिए कहा ना, आज तो आप ही टीचर हैं, तो मैंने भी आपको आज थोड़ा सा डांट दिया, लेकिन अब आपकी बारी है इस प्रोग्राम में। अरे रे 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 दी, आप मत पकड़िए कान। आज अब आप ही सुना दीजिए अपनी कविता। मैंने जो है ना वो थोड़ी टांग खींचने की कोशिश की है, जैसा कि आज मैं शुरू से कर रही हूँ, तो ये टांग अब तुम्हारी खींचना छोड़ दिया मेरा मैंने, और मैंने सोचा कि और मैंने सोचा कि हिंदी गीतों की टांग खींची जाए। तो पेश है मेरा 100 पर गीत। अब 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, अरे भैया जब भूत थे क्या तब से इकरार था। इतना भी झूठ ना मोलो, अपनी पोल ना खोलो, खुश रहो कि तब कोई ना इतना खबरदार था। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, अरे बाबा फिर भी क्या बस अना कहेंगे।
अपने से ऊपर जरा उठकर तो देखो, ये तो पूछो कि क्या वो भी प्यार करेंगे। 100 बहाने करके ले गई दिल, ले गई दिल, बहाने नहीं करती तब भी ले जाती, तब भी वो जाती मिल। मोहब्बत की खुद ने नाम उनका ले लिया, अगर लैला मैं होती तो करती तुझे किल। 100 आसमानों को और 2 जहानों को छोड़कर आई तेरे पास, पहली बात तो मुझे दिखते ही नहीं 100 आसमान आसपास। और ये भी तो बता जरा, पहला शायद मायका था, दूसरा जहां कौन सा था जहां तुम्हारी अटकी थी सांस। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है, अरे मती लो बाबा रोग भैया, इसकी गरज क्या है। जिसको रोग है उनसे पूछो कैसे जीते हैं, कई भोगियों ने इसको किया किताबों में बयां है। 100 दिल भी होते तो सारे तेरे होते, अरे भैया फिर तो 100 हार्ट अटैक भी होते। डॉक्टर के बिल भारी, घर वाले परेशान, बिल सुलटाते सुलटाते न जाने कितना रोते। हाथ जोड़ विनती करती हूँ मैं इन गीतकारों से, मत बनाओ ऐसे गीत तभी बच पाओगे वारों से। किसी ने छोड़ भी दिया तो ये लिटररी वॉरियर ग्रुप सताएगा, ऐसी धज्जिया उड़ाएगा, चमकोगे 100 सितारों से। तो ये था मेरी 100 पे कविता। एक से एक बढ़िया सॉन्ग्स आपने चुनकर उनकी जो लिटरली जो हमारे प्रॉपर मुंबईया लैंग्वेज में कहेंगे वाट लगा दी। तो जिसको भी वाट लगवानी है आ जाए लिटरेरी वॉरियर ग्रुप में, हम लोग वाट लगाने में एक्सपर्ट है कविता के अलावा। yes. तो जो है ये हमारा राउंड खत्म होता है सेकंड भी, और हमारा ये जो ग्रुप है मजाक अपार्ट बहुत ही प्यारा ग्रुप है, और सारे एडमिन्स, सारे पार्ट लेने वाले पार्टिसिपेंट्स सभी बहुत खास हैं, और सब व्यूअर्स और भी खास हैं क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पेश कर पाते हैं। और आज थोड़ी हंसी मजाक हमने की, आशा है किसी का दिल हमने नहीं दुखाया है, और आगे भी आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए। इस पटल पर कई प्रोग्राम होते रहते हैं, जो हमारे आज एडमिन्स यहाँ मौजूद थे, और उसके अलावा जो आज नहीं आ पाए वो लोग भी, वहीदा, निवेदिता, रेनू, कई लोग मुझे एकदम याद आ रहे हैं, ऋत्विका, तो जो लोग आज नहीं आ पाए वो लोग भी करते रहते हैं। तो आप हमारे प्रोग्रामों से जुड़ते रहिए, और अब हम आप सबसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।